हेलो दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे पुनीतवन, गांधीनगर, गुजरात। पुनीतवन भारत में गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सेक्टर 19 में स्थित एक वनस्पति उद्यान है। यह गांधीनगर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की पार्किंग चार्ज फ्री है और गार्डन की एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। इसे 2005 में गुजरात सरकार के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया था। गुजराती में पुनीत का मतलब पवित्र और वन का मतलब होता है जंगल। इस प्रकार इस गार्डन को पवित्र वन कहा गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें लगभग 3500 से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे, जिनका हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिषीय महत्व था। पुनीत वन के पेड़ पौधों का नाम तारों, ग्रहों और राशियों के ऊपर रखे गए हैं। पुनीत वन का टाइम सुबह 5 टू 11 क्लॉक और शाम को 5 टू 7:30 बजे तक का है। पुनीत वन एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन है। इसमें हम जॉगिंग ट्रैक, कमल का तालाब, राशि वन, नवग्रह वन, आरोग्य वन, पंचवटी वन, एमपी थिएटर, फाउंटेन गार्डन, सब जगह की हम इस वीडियो में विजिट करेंगे। प्लीज गाइस एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। सबसे पहले जाएंगे हम चिल्ड्रन प्ले एरिया। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे छोटी बड़ी एक्टिविटी रखी गई है, जैसे कि स्लाइड, स्विंग, इसके साथ साथ ऐसी एक्टिविटी का आनंद भी बच्चे ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी रखे गए हैं। बड़े और बच्चे सभी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के साधन यूज कर सकते हैं। बच्चों का एक फेवरेट जोन है चिल्ड्रन प्ले एरिया। ये सभी राइड्स एक्टिविटीज बिल्कुल फ्री है गाइस। यहाँ पे आफ्टरनून में बच्चे बहुत इसका मजा लेते हैं। यहाँ पे पास में ऐसा खुला बड़ा सा गार्डन है, इसमें आप फुटबॉल जैसी गेम खेल सकते हैं। अब चिल्ड्रन प्ले एरिया से हम आगे चलते हैं। आगे जाएगी तो हम लेंगे नवग्रह वन। देखिए नवग्रह वन में ग्रहों के अनुसार पौधे लगाए गए हैं। इसी वन में शुक्र, केतु, सूर्य जैसे ग्रह के लिए कौन सा पौधा है ये जानकारी मिलती है। पौधों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अधिकांश पौधों का उपयोग हवन पूजन के दौरान भी किया जाता है। इस वन में नौ ग्रह के अनुसार नौ पौधे लगाए गए हैं। देखिए जैसे कि गुरु का ग्रह है, इसके लिए पीपल का पेड़ है। राहु, देखिए ये मार्स मंगल ग्रह, ये मून चंद्र ग्रह,
के लिए कौन सा पौधा लगाया गया है, तो पौधा भी यहाँ पे लेबल लगाया है इसके पास में ये आप देख सकते हैं। यह विनस शुक्र ग्रह, देखिए ये है बीच में हमारा सूर्य ग्रह सबसे बड़ा। इस तरह यहाँ पे पूरा ये नवग्रह वन तैयार किया गया है। यह पुनीत वन का एमपी थिएटर, यहाँ पे ओपन थिएटर है। यहाँ पे आप छोटा सा कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। इस गार्डन के लिए बहुत अच्छा सा बनाया गया है। इस गार्डन में चारों तरफ बहुत शांति और हरे भरे फूलों के साथ ही बहुत बड़ा और विशाल बगीचा है यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे राशि वन। हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि के लिए एक खास तरह का पौधा या पेड़ चुना गया है जो उसे लाभ दे सकता है। आओ जानते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा पौधा फायदेमंद हो सकता है। देखिए मेष राशि के लिए है आंवला का पौधा। ये है मीन राशि, इसके लिए है नीम का पौधा। यह कुंभ राशि, इसके लिए है आम का पौधा। इस तरह कौन सी राशि के लिए कौन सा पौधा अच्छा है इसकी जानकारी पूरे राशिवन में दे दी गई है। गांधीनगर के बाहरी इलाके में एक सुंदर सा बगीचा है। इस उद्यान का नाम एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत रावल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपना जीवन समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इस राशि वन से निकलते ही आगे चलेगी हमें बिली वन। यहाँ पे बहुत सारे बिली के पेड़ लगाए गए हैं। सावन के मंथ में शिवलिंग पे बिली पत्र चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर बिली के पत्ते लेने आते हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे आएगा पूरा एक कमल का तालाब, लोटस लेक। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक लोटस तालाब है। एक कमल के तालाब के सामने ही यहाँ पे है योग गार्डन। ये पूरा योग एरिया है। यहाँ पे सुबह आप मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए पूरा बनाया गया है।
पुनीत वन में आपको बहुत सारे बर्ड्स की आवाज भी सुनाई देगी। देखिए ये भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो तो बहुत सारे यहाँ पे है। वो आपको जब गार्डन में आप घूमने आओगे तो आपको इस तरह से पीकॉक कहीं भी दिखाई देगा। ये है आरोग्य वन। अब हम आ गए हैं नक्षत्र वन में। पूरे 27 नक्षत्रों के लिए अलग अलग 27 वृक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं। और कौन सा वृक्ष कौन से नक्षत्र के लिए फायदेमंद है वो यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा टाउन लगाएंगे आपको 27 नक्षत्र के लिए कौन सा पौधा है वो यहाँ पे लगाया गया है। हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है परंतु हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है। नक्षत्रों के माध्यम से भी ग्रहों के कुंभभाव से सही किया जाता है। दोस्तों मेरा ये पुनीत वन गांधीनगर का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जैसे आपको ऐसे ही न्यू वीडियो मिलती रहेगी। मेरी लेट्स बी हैप्पी चैनल पे आपको वन डे पिकनिक गांधीनगर अहमदाबाद से अलग अलग पिकनिक प्लेस और अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की भी आपको जानकारी की मिलती रहेगी गाइस। और ये नक्षत्र वन पूरा होते ही हम आगे चलेंगे पंचवटी वन में। गाइस ये पुनीत वन में बैठने के लिए बेंजिस भी यहाँ पे लगाई गई है। आसपास के लोग यहाँ पे सुबह शाम चलने के लिए जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं। ये पुनीत वन का मैप है, एंट्री करके हम आपको हमने दिखाई देगा। देखो गाइस अगर आप गांधीनगर से नज़दीक में है तो गांधीनगर गुजरात का ये पुनीत वन का विजिट आप जरूर लीजिए गाइस। देखो ये आमला का पेड़ है, इसमें पूरे आमले अभी आए हुए हैं। बहुत बड़ा और विशाल बगीचा है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा और बहुत शांति है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे से जॉगिंग और रनिंग ट्रैक भी बनाया गया है। गार्डन में हम दूसरी बार पीकॉक देखने को मिल गया। यह पंचवटी वन गाइस यहाँ पे ये पूरा जॉगिंग ट्रैक 0 मीटर से स्टार्ट होता है। पूरा गार्डन आप घूम के आओगे तो 1310 मीटर का पूरा एरिया है यहाँ पे। गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लेट्स बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस। थैंक यू।